हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिससे भी अपने आप को कनेक्ट करते हो, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेदा एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिफोर बिगिंस, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वेदा एकेडमी के सारे वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप वेदा एकेडमी सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप वेदा एकेडमी को इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारे सभी लेक्चर्स के अपडेट यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी अप्रैल जून तिमाही में, मतलब ये जो अप्रैल जून जो है वो 2020 का है ना, रिसेंटली जो अप्रैल जून तिमाही रहा है उसमें भारत की जीडीपी क्या रही थी। इसका सही जवाब है -23.9%, है ना। तो ये जो आपका जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये जो सोर्स है वो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स .com का है और ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, ओके, गवर्नमेंट डाटा है। तो -23.9% की गिरावट आई है इस बार यहाँ के जीडीपी में, ठीक है ना। और ये पिछले लास्ट 40 ईयर्स का है ना, लास्ट 40 ईयर्स का सबसे कम है। आप देख पा रहे हो ग्राफ में, यहाँ पे 2018 को देख पा रहे हो आप, 2019 का देख पा रहे हो, तो लास्ट 40 ईयर्स का सबसे कम है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये इसके पीछे का रीजन क्या रहा है। अगर इंडिया का जीडीपी इतना गिर गया है तो एक तो बहुत सटीक सा अगर कोई बोलना चाहे तो कहते हैं कि COVID-19 जो है उसके ये इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहे हैं COVID-19 का, इफेक्ट पड़ रहे हैं। चलिए हम उस बात को मान लेते हैं। तो इस COVID-19 का जो इफेक्ट, जीडीपी को इतना गिरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कभी जो क्या है, कभी जो लॉकडाउन रहे इतने महीने, 6 महीने लॉकडाउन रहे हैं ना, तो लॉकडाउन में क्या होगा, ट्रेड रहा, हॉस्पिटल्स रहा, हॉस्टल्स होटल्स रहे, ट्रांसपोर्ट रहा, इनमें क्या रहा कि 47% की कमी आई इन बिजनेस में, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। अब अगर माइनिंग की आउटपुट की बात करें तो 23.3% तक ही रह पाया ये, है ना। बस अभी सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा फील्ड रहा है जिसमें 3.4% की ग्रोथ आई है। COVID-19 का इफेक्ट इसमें ये रहा है कि इसमें 3.4% की ग्रोथ आई है ना। तो फ्यूचर यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफ़ी बूम करने वाली है इंडिया में, ठीक है। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली जो है अभी इंडिया का जो सिक्किम है, ठीक है ना, इंडिया का जो सिक्किम है, सिक्किम स्टेट है, ये जो है पूरे इंडिया का टॉप स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर जो है सबसे ज़्यादा है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि जो जीडीपी एस्टिमेट किया गया है, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट करा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया पे कुछ ज़्यादा मेहरबान है, ठीक है। तो इनका कहना कि इंडिया की जीडीपी -3.2% ही रहने वाली है फिस्कल ईयर 2020 में, ठीक है। पर ये जो इकरा जो है, ठीक है, इनका कहना है कि इन्होंने जब फिर से फोरकास्ट कर दी, दोबारा फोरकास्ट कर दी, इन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी जो है वो स्लिप करके -9.5% तक रहने वाली है 2020 में, ठीक है ना। तो हम अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, और आज का जो क्वेश्चन टू है वो है कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल स्थल का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। इसका सही जवाब है चाइना, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा चाइना, ठीक है ना, और ये रहा हमारा प्यारा भारत हिंदुस्तान, ओके, इंडिया। अब हुआ क्या कि ये रहा, ये क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। ये रहा आपका LOC, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हुआ क्या कि जैसे कि हम जानते हैं कि गलवान वैली में क्या हुआ कि 15-16 जून को इंडिया और चाइना के बीच में फैटल क्लैश हुआ, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्या हुआ, फैटल क्लैश हुआ। इसमें क्या हुआ, और ये क्लैश जो हुआ, मतलब पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, 40 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ और उसमें लोग मारे गए। क्योंकि उनके बीच में भी क्लैश होते थे पर वो फैटल नहीं हुआ करते, लोग नहीं मारे जाते, पर इस बार फैटल क्लैश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चाइना और इंडिया के रिलेशंस और भी बिगड़ते चले गए। अब जैसे ही उसमें 15-16 जून के बाद जैसे फैटल क्लैश हुआ, उसके बाद क्या करा चाइना ने, रिसेंटली रिस्पॉन्ड करते क्या करा इंडिया ने, रिस्पॉन्ड करते हुए क्या करा कि 59 चाइनीज ऐप को उसने क्या करा, बंद कर दिया, इंडिया ने बंद कर दिया, है ना, जिसमें से टिकटॉक भी शामिल था, ओके। अब उसके बाद फिर टिकटॉक भी शामिल था, उसके बाद फिर रिसेंटली क्या करा कि इंडिया ने क्या करा कि चाइना के ऐप पबजी को भी बैन कर दिया, ओके, पबजी को भी बैन कर दिया, ठीक है। अब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन तो बढ़ते ही जा रहा है, और ऐसे स्थिति में क्या है कि ये रहा आपका माउंट कैलाश, ठीक है ना, और ये रहा आपका लेक मानसरोवर। इसे हम जूम करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका माउंट कैलाश और ये रहा लेक मानसरोवर, ठीक है। अब यहीं पे क्या करा कि चाइना ने मिसाइल साइट बनाया, ठीक है ना, मिसाइल साइट का उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसका इससे दिक्कत ये आ रही है कि इससे इंडिया और चाइना के बीच में क्या होगा कि और भी टेंशन बढ़ते ही चला जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो
माउंटेन कैलाश जो है और लैक मानसरोवर, जैसे हम कमैली का करते हैं हम इसे कहते हैं कैलाश मानसरोवर कहते हैं, हिंदुस्तान वाले से कैलाश मानसरोवर कहते हैं। और ये जो जगह है वो चार रिलीजन्स के लिए बहुत ही पवित्र है, ठीक है, जिसमें से एक हिंदू है, ठीक है, उसके अलावा आपका है तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ठीक है ना। तो हिंदू जो कंसिडर करते हैं कि ये जो कैलाश मानसरोवर है, ठीक है, वहाँ पे भगवान शिवा और देवी पार्वती उनका वो रहने का स्थल है, ठीक है ना। और बौद्धिस्ट जो होते हैं वो भी कैलाश मानसरोवर को पवित्र मानते हैं और इसे वो कांग रिनपोचे के नाम से जानते हैं, है ना। अब ये जो है एक रिलीजियस स्थल हो गया, लोगों की आस्था इन जगह पे, ऐसी जगह पे क्या करा कि चाइना ने क्या करके मिसाइल साइट बना दिया, ओके। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा ये है कि ये जो जगह है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, ये फोर ट्रांसनेशनल रिवर्स का ओरिजिन है ना, जिसमें से एक है इंडस हो गया, दूसरा ब्रह्मपुत्र हो गया, एक है सतलज है एंड एक है करनाली। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये चारों रिवर जो हैं वो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। और गंगा जो है इंडिया को एक बहुत ही पावन नदी मानी जाती है, तो और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, इंडिया के लिए। तो क्या हो रहा है, कब ऐसी स्थिति आ रही है, तो ये इससे क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन और भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके देखिए अब क्या करा कि इंडिया ने चाइनीज ऐप बैन करा, है ना, चाइनीज ऐप बैन करा। अब क्या था कि इसके अलावा क्या था कि अभी क्या है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या था कि काउकाज, है ना, काउकाज 2020 एक्साइज किया जाने वाला था। तो इसमें इस काउकाज 2020 एक्साइज में क्या था कि चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा था, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इंडिया ने क्या बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने काउकाज 2020 में क्या करा, पार्टिसिपेट कर दिया, पार्टिसिपेट करने से क्या करा, मना कर दिया, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ, दोनों के बीच में और रिलेशन क्या होते जा रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, ठीक है, पड़ेगा। और अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो अभी पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना जो है साथ में क्या कर रहे हैं, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, का निर्माण कर रहा है मिल के साथ में, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, ठीक है, अब इसके कारण क्या, चाइना जो है पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है चाइना में क्या है कि वो कर्ज तले, मतलब वो दब गया है, ठीक है ना। अब हम नेपाल की बात करें, ठीक है, तो नेपाल के साथ क्या है कि इंडिया जो है वो सेकेंड पाइपलाइन बना रही है, ठीक है, गैस पाइपलाइन बिछा रही है, क्या सेकेंड पाइपलाइन, इससे पहले फर्स्ट पाइपलाइन इन्होंने 2019 में ही बिछा लिया था, ठीक है ना, कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पाइपलाइन को 2019 में ही कंप्लीट कर लिया था। अब यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, ठीक है ना, तो 2020 का जो आईपीएल हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, जो आईपीएल होने वाला है वो संयुक्त अरब अमीरात में ही होने वाला है, ओके। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, मतलब कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक, हर साल, मतलब कब से, ठीक है, कब तक आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसे आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है इट्स अ करेक्ट आंसर। तो अभी क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं कि इस बार जब मन की बात हुई, है ना, मन की बात होती है हर साल, मतलब हर बार मन की बात पीएम करते हैं, मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, है ना, ओके। तो उन्होंने इसको प्रमोट करा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इस बार जो थीम है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020 का जो थीम है वो है ईट राइट बाइट बाय बाइट, ओके। अब अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, और इसे स्टार्ट किया गया था अमेरिकन डाइटेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसे अब हम एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कहते हैं, ओके। और उसके बाद देखा कि पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कब, 1980 में पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस अभियान को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में 1982 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट किया गया, सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तो उसके पीछे इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो था उसके पीछे इसका रीजन ये था कि वो लोगों में कैंपेन के द्वारा ये बता सके कि न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, एक हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो उसको प्रमोट कर सके, ताकि लोग जो हैं हेल्दी फूड कंज्यूम कर सके, ओके। तो इसलिए जो है न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो होता है हर साल क्या करता है, सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब है सेप्टेम्बर, ओके, है ना। तो इस बार जो मन की बात उन्होंने बोली थी
जो एपिसोड आता है मन की बात, ठीक है, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पोषण माह जो है वो सितंबर महीने मनाया जाएगा, तो सबसे पहली बार जो न्यूट्रिशन मंथ मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 1982 में मनाया गया था इंडिया में, है ना। और इसे स्टार्ट किया गया था राजस्थान के एक शहर है, इसमें एक शहर राजस्थान में एक शहर है झुंझुना, कौन सा शहर ये झुंझुना, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया था, ओके। और इस जो ये अभियान चलाया गया है, ठीक है, न्यूट्रिशन अभियान जो चलाया गया है, ठीक है ना, इंडिया में, तो इसके तहत जो भारत की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका ये लक्ष्य है कि ये 2022 तक, कब तक, 2022 तक जो है इंडिया को कुपोषण मुक्त कर देगी, कुपोषण मुक्त कर देगी, ओके। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन ऑफ फाइव इज, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने भारत के कौन से, है ना, कौन से, या फिर बोल रहे कि कितनेवें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, तो इसका सही जवाब है 13वां, ठीक है, भारत के 13वां राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था 1935 में होता है, ठीक है ना। और प्रणब मुखर्जी जो थे इन्हें भारत रत्न मिला था, इसे सम्मानित किया गया था, इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ओके। और प्रणब मुखर्जी जो थे वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके थे, है ना, इसके अलावा ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रह चुके थे, ओके। अब बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो जो नाइन्थ जो प्रेसिडेंट इंडिया के थे वो थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, और टेंथ जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था के आर नारायण, ओके। और एलेवंथ प्रेसिडेंट जो थे वो सबके चाहिए थे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, ओके, है ना। 11th प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, है ना, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ करेंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, किस देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच खाई को पाटने के लिए अग्रीटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, इसका सही जवाब है यूएई, ठीक है ना। और ये जो अग्रीटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, ये कहाँ लॉन्च हुआ है, दुबई में लॉन्च हुआ है, ओके। अब यूएई की बात करें तो यूएई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, यानी इसका कैपिटल है अबू धाबी। अब अगर हम एग्रीटा ई प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से क्या होगा कि जो भारत के जो किसान है, ठीक है, उनका और यूएई के जो फूड इंडस्ट्री है उनके बीच में क्या है कि एक ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनेगा मतलब क्या है कि बीच के जो इंटरमीडिएट जो थे, ठीक है, अब वो बीच में नहीं रहेंगे, मतलब कि जो किसान जो रहेंगे उनको उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल पाएंगे। तो अब जब उन्हें उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेंगे तो उनकी जो सप्लाई चेन में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उनको बेचेंगे आसानी से, खुशी खुशी बेचेंगे वो। तो इससे क्या होगा कि अब इससे यूएई को क्या फायदा होगा, तो इससे यूएई को ये फायदा होगा कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में यूएई की जो रैंकिंग होगी वो इम्प्रूव करेगी, ठीक है ना। अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो 2019 में जब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जब आई थी तो इंडिया का जो रैंक था, ठीक है, वो था 72 आउट ऑफ 113 कंट्रीज, है ना। और सिंगापुर का जो रैंक था वो था फर्स्ट, सिंगापुर ने क्या करा, फर्स्ट करा था, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो है रियाद, ओके, कैपिटल क्या है इसका, रियाद है। और सऊदी अरब क्या था, जो G20 का जो समिट होने वाला है 2020 को, कहाँ होने वाला है, सऊदी अरब में ही होने वाला है, ठीक है। और सऊदी अरब की क्या है, एक अरामको नाम की कंपनी है, ठीक है, ये बहुत ही ऑयल जायंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसने क्या करा, पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिलेशन क्या करा, खत्म कर दिए, ओके। अब हम कतर की बात करें तो कतर का जो कैपिटल है वो क्या है, दोहा, ठीक है ना। और 2022 का, ठीक है, ओके, 2022 का जो फीफा चैंपियनशिप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, कतर में ही होने वाला है, ओके। तो हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज, मुस्तफा अदीब किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है, इसका सही जवाब है लेबिनोन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं लेबिनोन मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये रहा लेबिनोन कंट्री, जो लेबिनोन है, और ये जो लाइन बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ लाइन बॉर्डर शेयर करता है, ये लाइन बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ, और ये साथ ही शेयर करता है ये इसराइल के साथ लाइन बॉर्डर शेयर करता है। ये जो लेबिनोन का जो कैपिटल है वो है बैरूत, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि इससे पहले जो लेबिनोन के जो पीएम थे हसन दियाब, ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले, ठीक है, पोर्ट ऑफ बैरूत में एक
बॉम्ब अटैक हुआ, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि लगभग 190 लोगों की डेथ हो गई। तो जब ये डेथ हुई तो जो हसन दियाब जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लेबनान में क्या है कि करप्शन जो है ना, ये स्टेट से ज़्यादा, स्टेट से भी ऊपर है। मतलब स्टेट से ऊपर क्या, यहाँ पे करप्शन। और यह क्या क्या करा कि हसन दियाब ने क्या करा कि अपना इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद फिर अभी रिसेंटली क्या है, मुस्तफ़ा अदीब को, ठीक है ना, लेबिनान का क्या बनाया गया, पीएम बनाया गया। ओके, अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बेलोरूस जो है इसका जो कैपिटल है वो है मिन्स्क। ओके, माली की बात करें तो माली का जो कैपिटल है वो है बमाको। ओके, और टर्की की बात करें तो टर्की का जो कैपिटल वो है अंकारा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज, भारतीय रेलवे के रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है जिसे खाद्य और औषधियां देने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। जैसे सही जवाब है मेडबोट। ओके, द करेक्ट आंसर इज मेडबोट। अब मेडबोट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि मेडबोट का काम क्या है, जो ये जो है डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो है उसके सेंट्रल हॉस्पिटल्स में ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का तो काम करेगा ही, कोविड-19 के जो पेशेंट्स उनके लिए क्या करेगा, फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, और मेडिकल की सुविधाएं ये मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, या मेडिकल की सुविधाओं को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन का अगर हम बात करें तो डीजीएनसीसी मतलब डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉप्स, ठीक है। ये जो नेशनल एनसीसी जो होता है, नेशनल कैडेट कॉप जो होता है, ये क्या है, ये जो है वो यूथ विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैं इंडिया के, ठीक है ना। अब अभी क्या है कि रिसेंटली क्या है कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करा जिसकी मदद से इंडिया का कोई भी बंदा, अगर कोई कोई जो नौजवान है अगर वो एनसीसी कैडेट बनना चाहता है तो वो इस ऐप की मदद से सारे इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ओके, सारे इन्फॉर्मेशन उसे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब कोरोबोई की बात करें तो कोरोबोई क्या है, एक गेमिंग ऐप है। ये क्या है, एक गेमिंग ऐप है जिसे मणिपुर के एक बच्चे ने बनाया है। ओके, और गोल की बात करें तो गोल मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ठीक है ना, और इसे लॉन्च करा है अर्जुन मुंडा ने। ओके, अब अर्जुन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा जो है वो इंडिया के ट्राइबल मिनिस्टर हैं, है ना। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो है वो फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड भी हैं, रह चुके हैं, ठीक है, झारखंड के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। अब ये जो गोल जो है इसके मदद से क्या होगा कि जो भी ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, जो ट्राइबल लोग जो जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं वो इसके मदद से अपने जो सामान जो है उसको ऑनलाइन ले जा सके, वहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। तो इससे उन्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी और सामान भी जल्दी बिक जाएंगे उनके, ठीक है ना। तो हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और आज का जो क्वेश्चन 9 है वो है, भारत की पहली समुद्री विमान सेवा 31 अक्टूबर से किस राज्य से शुरू होनी है। इसका सही जवाब है गुजरात, ठीक है। अब क्या है कि 31 अक्टूबर क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या होता है, जन्मदिन होता है, ठीक है। तो उसी के शुभ अवसर पर ये जो समुद्री विमान जो है उसे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और अभी गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया रहा, ठीक है, और ये रहा गुजरात, ठीक है ना। अब गुजरात में क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये जो विमान चलेगी वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक आएगी साबरमती रिवर से, ठीक है। अब ये जो समुद्री विमान जो है इसमें जब ये विमान चलेगी तो इसमें सिर्फ 14 ही पैसेंजर्स रह सकते हैं। कितने पैसेंजर रह सकते हैं, 14 पैसेंजर्स रह सकते हैं, ठीक है। और पर पैसेंजर का जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा 4800 रुपये, कितना पड़ेगा, 4800 रुपये, ठीक है ना। और ये जो विमान जो चलाया जा रहा है इसे स्पाइस जेट, ओके, स्पाइस जेट कंपनी जो है ये इसे कॉर्पोरेट कर रही है। ओके, तो हम बाकी ऑप्शंस को देख लें, है ना। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में भी रिसेंटली क्या है कि मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना को लॉन्च किया गया, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में रिसेंटली अभी मास्क डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा अभी नमस्ते योजना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, नमस्ते कैंपेन स्टार्ट किया गया है ना। और गोवा की बात करें तो 51 मतलब 91वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है, ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल वो गोवा में ही मनाया जा रहा है। और इसके अलावा नेशनल गेम्स जो हैं, ठीक है ना, नेशनल गेम्स इंडिया मतलब गोवा में ही ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। ये 36th होगा, मतलब 36वां जो नेशनल गेम होगा वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो गोवा में ही ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज मिंत्रा। ओके, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के
रूप में किसे नियुक्त किया गया, मतलब कि कौन बना नया ब्रांड एम्बेसडर, मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? ठीक है, जिसका सही जवाब है कैरा एडवानी, ठीक है ना। अब अगर हम मिंत्रा की बात करें तो मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, ये दोनों साथ में काम करती है। ओके, तब जिनको ये लगता है कि फ्लिपकार्ट जो है एक इंडियन कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट का जो फाउंड जब इसका फाउंडेशन हुआ था, जो इनके फाउंडेशन जो है फाउंडर जो है वो है सचिन बंसल और बेनी बंसल, वो इंडियन थे, ठीक है ना, वो दोनों इंडियन है। पर एक्चुअली क्या है, कभी फ्लिपकार्ट का जो है वॉलमार्ट के पास 81.3% स्टेक होल्डर्स है ना, और टाइगर मैनेजमेंट जो है इसका 4.7% है इसके पास शेयर्स। तो ओनरशिप किसके पास है अभी? वॉलमार्ट के पास, और वॉलमार्ट जो है एक अमेरिकन कंपनी है। तो इससे ये पता चलता है कि फ्लिपकार्ट जो है ये क्या है, अमेरिकन कंपनी है, इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि इसका फाउंडर जो था वो एक इंडियन है, ठीक है, सचिन बंसल और बेनी बंसल दोनों इंडियन हैं, और इसके जो अभी CEO है उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ओके, तो हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अनुष्का शर्मा जो हैं ये कॉक्स एंड किंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। सारा अली खान की बात करें तो सारा अली खान जो है JBL कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, और करीना कपूर की बात करें, करीना कपूर जो है पूमा, ओके, पूमा कंपनी क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो आज का जो हमारा सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है पूर्व क्रिकेटर या फिर क्रिकेट कोच का नाम बताएं जिन्होंने MS उन्नीकृष्णन के साथ पिचिंग इट स्ट्रेट नामक पुस्तक का सहलेखन किया है, ठीक है, मतलब को राइटर है ये। तो इसका सही जवाब है गुरुचरण सिंह, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को देखें तो रवि शास्त्री जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के क्या है, ये अभी कोच हैं, ओके, कोच हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, वो है कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक 650 मिलियन यूरो निवेश करेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 650 मिलियन यूरोज निवेश कर रही है, ठीक है, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का ये सेकेंड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अगर बेनिफिट्स क्या हो रहा है, अगर ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन जाता है कानपुर में, इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो कानपुर के 30 लाख जो लोग हैं, ठीक है, उनको एक ग्रीन, सेफ, फास्ट और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अब अगर ये ग्रीन है, सेफ, फास्ट, इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, वहाँ की पॉल्यूशन घटेगी, ठीक है ना, क्योंकि लोग जो होंगे अब ये मेट्रो का उपयोग करेंगे अपने पर्सनल व्हीकल्स की जगह पे, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन घटेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगी, तो बनकर तैयार होने के बाद ये पता है कितने 1100 लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करेगी, मतलब 1100 न्यू जॉब क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, ओके। और इसके अलावा क्या होगा कि जो भी कंजेशन है वहाँ पे स्ट्रीट्स में, ठीक है, वो स्ट्रीट्स में कंजेशन घटेंगे, ओके। तो हम बाकी ऑप्शंस के तो देखें, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में, ओके। और AIIB, ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में, ठीक है। तो हम आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपना राय दीजिए हमें, ठीक है। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आया हो, है ना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हम कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।